बिल्डिंग आर्किटेक्चर पूछ लो तुम। हाँ होगा तो अभी दोस्तों देख लो, ये मिलता है आपको यहाँ पे, यही अंदर चढ़ता हूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हम खाटू श्याम मंदिर आ चुके हैं दिल्ली वाले। अभी मैं आपको अंदर से पूरा दर्शन कराऊंगा और देख सकते हैं पूरा ये बाहर की पार्किंग है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये खाने के कुछ स्टॉल्स हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जूता रखते हैं यहाँ पे, आप जूते उतार सकते हैं अपने और टोकन भी मिलता है आपको बकायदा यहाँ पे, और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल। ये यहाँ पे पानी का शीतल जल है दोस्तों, ये एंट्रेंस है और ये हाईवे है सीधा, ये जीटी कर्नल रोड है और कर्नल रोड के सीधा ही बाजू में है ये मंदिर और ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। और ये एंट्रेंस है पूरी, पार्किंग आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, देखिए आपको अंदर जाके दिखाता हूँ पूरा, देखिए आप। चलो दोस्तों भी एंट्री कर चुके हैं हम, देखिए पीछे ये एंट्री कुछ ऐसी है, यहाँ पे गार्ड वगैरह बैठे हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और देखिए सब पीछे मेरे बोर्ड है। चलो अब हम आगे चलते हैं, अभी मैं अंदर का दिखाऊंगा। काफ़ी भीड़ है आज, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत भीड़ है आज, और सैटरडे संडे ओबियसली यहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी मैं आपको अंदर पूरा दिखाऊँगा आज टेम्पल। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे, चैता है अंदर से बहुत ही अच्छा है, फिर हम अंदर चल रहे हैं। ये एंट्री है भी, हम अंदर जा रहे हैं अंदर, देख सकते काफ़ी तो दोस्तों भी टीका लगवाया मैंने, देख सकते हैं पीछे ही। अभी अंदर आपको दिखाऊंगा स्टॉल वगैरह भी हैं, खाने पीने का भी होगा, प्रसाद वगैरह का, और भी आपको दिखाऊंगी किस तरह का प्रसाद यहाँ पे मिलता है आपको। और यहाँ पीछे देख सकते हैं बच्चों के झूले वगैरह हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों स्टॉल्स हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। दोस्तों आप सामान ले सकते हैं, मूर्ति वगैरह ले सकते हैं भगवान की, आप देख सकते हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं यहाँ पे, देखें भगवान की मूर्ति, कड़े वगैरह, माला वगैरह, फूल वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये फूल माला है यहाँ पे प्रसाद के रूप में, आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरा प्रसाद की दुकान है ये, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, आप यहाँ से जोड़ी वगैरह, आप यहाँ पे कचौड़ियाँ बनाई जाती है दोस्तों। अगर प्रसाद वरसाद लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये 50 रुपये का एक का ये मिलता है आपको यहाँ पे, यही अंदर चढ़ता है। और माला वगैरह के लिए आप थोड़ा सामने से ले सकते हैं, वहाँ पे माला खाना वाना उपलब्ध है, तो ये भाई आपको मिलेंगे यहाँ पे, इनसे प्रसाद दे दीजिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ काम चल रहा है अभी, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है आई थिंक। और ये मंदिर मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, अलग सी एक पॉजिटिव वाइब मुझे फील हो रही है यहाँ पर आके, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मंदिर है, कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, इट्स अ वेरी ह्यूज टेम्पल ऑफ खाटू श्याम, खाटू श्याम के भक्तों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। उनको राजस्थान जाना पड़ता था, अब उनको राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर ही आके दर्शन कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ।
पूरा देख सकते हैं, मैं पूरा आपको मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ छूट जाए तो माफ़ कीजिएगा। पूछ लो तुम। हाँ तो देख सकते हैं हम, ये एंट्रेंस है मेन ऑफ दिस टेंपल। यहाँ पे घंटा देख सकते हैं, इज अ ग्रेट टेंपल यू कैन से। यह ट्रक देख सकते हैं दोस्तों, जय श्री कृष्णा लिखा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है मुझे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी देख सकते हैं हम अंदर एंटर कर चुके हैं टेंपल में, और यहाँ पे लाइन लगी हुई है थोड़ी। ये मेन दरबार है इस मंदिर का, पूरा हॉल का हॉल। और ये लाइन आप देखिए कितनी की देखते हैं, लाइन लग रही है अंदर जाने की। तो दोस्तों देख सकते हैं यज्ञ वगैरह होता है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने अपने घर के लिए प्रार्थना की है ऊपर वाले से, भगवान से, खाटू श्याम जी से, कि हमारा ऐसा घर हो भविष्य में। तो आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर एक बिल्डिंग बनाएं अपने
जैसे आप देख सकते हैं किसी ने 2 या 3 4 5 मंजिल तक बना रखा है, इसका मतलब यही है कि लोग इतने मंजिल का अपना घर चाहते हैं। आप भी जरूर आएँ और एक बिल्डिंग जरूर बनाएं। आप देख ही सकते हैं लोगों ने घर बना रखे हैं। देखो घर बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए घर बन गया, तो ये 2 मंजिल का ये घर तो जाम वाले को बाकी दूर तक नजर आई है। लोगों ने घर ही बना रखे अपने अपने। यहाँ पे माला भी चढ़ा देते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। खाटू श्याम दिल्ली धाम दोस्तों देख सकते हैं, ये एक सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं इसको। भारत का नक्शा बना हुआ है और साथ साथ खाटू श्याम वाले को बन इलाका है, पीछे का इलाका है मंदिर का। ये देख सकते हैं एरोप्लेन वहाँ पे, इसका क्या काम है मुझे नहीं पता। और एक ट्रेन का कोच है, एक डिब्बा है ट्रेन का। शाम दिल्ली धाम यहाँ भी देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है अंदर। तो दोस्तों मैं दर्शन की बात करूँ तो दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं मंदिर के, बहुत मज़ा आया, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमने पूरा फेस टू फेस दर्शन किए हैं यहाँ के। ये ट्रेन का डिब्बा उन्होंने मिल कैसे किया दोस्तों, उनको ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, बस ये बंद है, ट्रेन ही बेकार रही है दोस्तों। यहाँ पे फोटो खिंचवा सकते हैं, आप देख सकते हैं एक ट्रेन का डिब्बा रखा है, नकली है, असली डिब्बा नहीं है। तो अभी दोस्तों मैंने पीछे आपको दिखाया ये प्लेन, आर्टिफिशियल प्लेन है ये, जहाँ पर आप फोटो खिंचवा सकते हैं, जस्ट फोटो वगैरह वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और बाकी इसका कोई और मकसद नहीं है, एंट्री भी नहीं कर सकते आप। ये पीछे रेलवे स्टेशन मैंने आपको दिखा दिया, ट्रेन का डिब्बा दिखा दिया जो कि टोटली 100 पीस है। यू कैन नॉट एंटर एंड यू कैन नॉट, यस यू कैन नॉट एंटर बट यू कैन क्लिक फोटोज ओवर देयर जस्ट फॉर क्लिकिंग द फोटोज, इट्स फॉर एंटरटेनमेंट जस्ट। स्वर्गदार को तो हाँ, लुक एट दिस गाइस, अमेजिंग आर्किटेक्चर। मंथन हो रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे अमृत निकाला जा रहा है और आप देख सकते हैं कुछ स्टोन्स हैं जो कि एक राउंड शेप में जो कि ज़्यादा यहाँ पड़े हुए हैं और लुकिंग वेरी नाइस। खाटू श्याम मंदिर का देखिए दोस्तों, राम जी की फोटो पढ़ने भी कर ही रहे हैं। देख सकते हैं अब दोस्तों कपाट बंद हो चुके हैं, अभी हम पीछे घूम के आए और ये कपाट बंद है, अभी कपाट बंद हो चुके हैं मंदिर के। बाकी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे अष्ट धातु से निर्मित 800 किलो का दिल्ली का पहला घंटा
खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो दोस्तों देख सकते हैं 800 किलो का घंटा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ही भारी होगा। तो अभी मैं बजा के नहीं दिखा सकता क्योंकि बंद हो चुका है, अभी 2 बजे हैं, 3 बजे खुलेगा। डक बत्तक गिर अब देखिए, यहाँ पर तो महंगी थोड़ी है। कुछ देख सकते हैं गौ माता की, नंदी भगवान, और देख सकते हैं सामने कृष्ण जी की फोटो भी है यहाँ पे। देख सकते हैं दोस्तों गायों की लड़ाई यहाँ पे। बढ़िया वाली गायें हैं, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी यूनिक गायें हैं ये, और काफ़ी अच्छी गायें हैं, मतलब आप इस रोडों पे देखते हैं दिल्ली के वो गायें नहीं है। ये गौशाला है पूरा ये दोस्तों, यहाँ पे आप दान भी कर दे सकते हैं, ये भी गौशाला है दोस्तों। और आप यहाँ देख सकते हैं ये, अभी मैं फ्रंट से आपको दिखाऊँगा ये 3 गायें देख सकते हैं आप, इतनी यूनिक गायें को देख सकते हैं आप। दूर ये श्री कृष्ण जी पर्वत उठाते हुए गोवर्धन, और एक और बात दोस्तों रह गई थी, अगर यहाँ पे आप खाना खाना चाहते हो 70 रुपये प्लेट है यहाँ पे, 70 रुपये में आपको 2 या 3 सब्जी मिलेगी यहाँ पे, खाने की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो आप यहाँ पर आते हैं तो खाना ज़रूर खा के जाएँ, साध का फूल माला का जो भी आप अंदर चढ़ाना चाहते हैं उसका अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। जोड़ी दोस्तों देख लो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने आपको पूरी खाटू श्याम दिल्ली धाम की दर्शन करवाए हैं, तो आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, आपको पहली बार देखने को मिला होगा। जो भाई जिन्हें नहीं देखा, जो नहीं जानते कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है, वो यहाँ पर ज़रूर आएँ एक बार। ये अलीपुर है दिल्ली, ये GT कर्नल रोड के बिल्कुल ही राइट साइड में है, अगर दिल्ली की तरफ से आते हो तो राइट साइड में आपको दिख जाएगा लिखा हुआ खाटू श्याम दिल्ली धाम के नाम से एक बोर्ड है, वहाँ पर आप आ सकते हैं, ज़रूर एक बार दर्शन करिए। अभी देखते हैं यहाँ पे पीछे मेरे लोग वगैरह, ओवरऑल मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा इस मंदिर को। और ये मंदिर अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी इसमें कुछ कार्य अभी बाकी है, और यहाँ पे गौशाला खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा है।